बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में केमिस्ट्री सेकंड ईयर के चैप्टर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स में इंट्रोडक्शन और नॉमनक्लेचर में कॉमन नेम्स को डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम नॉमनक्लेचर में IUPAC सिस्टम को डिटेल से डिस्कस करेंगे। हम इस सिस्टम के ज़रिए डिफरेंट कंपाउंड्स को नेम प्रोवाइड करते हैं। IUPAC से मुराद है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और ये रिपोर्ट 1947 में मॉडिफाइड की गई थी IUPAC सिस्टम का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? ईच डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव डिफरेंट नेम। हर डिफरेंट कंपाउंड का डिफरेंट नेम होना चाहिए। दस थ्रू अ सिस्टमैटिक सेट ऑफ रूल्स IUPAC सिस्टम प्रोवाइड्स द डिफरेंट नेम्स ऑफ मोर देन 7 million नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो IUPAC सिस्टम ने 7 million ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफरेंट नेम्स प्रोवाइड किए थे। सबसे पहले है नॉमनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। अगर हम अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो फिर अल्केन से अल्काइल बन जाता है। फ़र्ज़ करें आपके पास मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4 है। अगर हम सिर्फ उसकी एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो आपके पास ये मीथेन से मिथाइल बन जाएगा। इथेन की एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो वो इथेन से इथाइल बन जाएगा। नेक्स्ट पेज पर इसके बारे में बताया भी गया है। आपको ये टेबल नज़र आ रहा है, ये मीथेन का फार्मूला है CH4। अगर हम मीथेन की एक हाइड्रोजन जस्ट रिमूव करते हैं तो ये मीथेन की बजाय अब मिथाइल कहलाएगा, और मिथाइल की एब्रिविएशन है METH। इसी तरह ये इथेन है, और इथेन की जब हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो ये इथेन से इथाइल बन जाएगा, और इसकी एब्रिविएशन है ETH। प्रोपेन का जनरल फार्मूला है CH3CH2CH3। जब हम एक CH3 से हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो ये प्रोपाइल बन जाएगा। एन प्रोपाइल इसलिए कहा गया है कि अगर स्ट्रेट चेन होगी, लास्ट वाली कॉर्नर से हाइड्रोजन रिमूव की जाएगी तो वो एन प्रोपाइल कहलाता है, लेकिन अगर सेंटर वाली कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव की जाए तो उसे फिर हम आइसोप्रोपाइल कहते हैं। आइसोप्रोपाइल के बारे में यहाँ पे बताया नहीं गया, लेकिन आपने ये कर लेना है। नेक्स्ट है ब्यूटेन। ब्यूटेन अगर स्ट्रेट चेन में हो तो लास्ट वाली कार्बन से जब हाइड्रोजन रिमूव होता है तो फिर हम उसको क्या कहते हैं? एन ब्यूटाइल, और यहाँ पर उसकी एब्रिविएशन भी दी गई है, एंड सो ऑन। इस तरह ये सारा टेबल ऐसे ही चलेगा। नेक्स्ट है नॉमनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स के नॉमनक्लेचर के कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला रूल क्या है? लोकेट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ द कार्बन एटम्स। दिस चेन डिटर्मिन द पेरेंट नेम फॉर द अल्केन। सबसे पहले आपने अल्केन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, फिर आपने उसको पेरेंट नेम देना है। फर्ज करें यहाँ पर आपके पास दो फार्मूलाज दिए गए हैं। एक ये है, इसकी एक चेन स्ट्रेट ये बनती है और एक स्ट्रेट चेन ये बनती है। पहली स्ट्रेट चेन में 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन एटम है। दूसरी स्ट्रेट चेन में 1, 2, 3, 4, 5, 6 दोनों ही 6 कार्बन वाली चेन है, तो आप इन दोनों में से कोई एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड वाली में एक स्ट्रेट चेन ये है और एक स्ट्रेट चेन आपकी ये वाली है। फर्स्ट वाली में आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन एटम है, लेकिन सेकंड वाली में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो फिर आप कौन सी चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें कार्बन की तादाद ज़्यादा है, और उसको फिर हम पेरेंट का नाम देंगे। कार्बन की तादाद की वजह से हमें पेरेंट नेम का पता चलेगा। नेक्स्ट रूल है, आपने उसके ऊपर नंबरिंग करनी है, जो कि मैं आपको पिछले स्टेप में बता आई हूँ। नंबरिंग आपने हमेशा उस तरफ से करनी है जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कम तादाद वाली कार्बन के साथ लगा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर आपके पास ये जो साइड ग्रुप में कार्बन है वो 3 वाली कार्बन पर लगा हुआ है, तो आप फिर नंबरिंग इस तरफ से करेंगे, और नीचे वाली कार्बन में, नीचे वाली चेन में आपने नंबरिंग इस तरफ से स्टार्ट करनी है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट आपका यहाँ पे सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है। लेकिन अगर आप नंबरिंग इस तरफ से स्टार्ट करेंगे तो उस सूरत में आपका सब्स्टिट्यूएंट
5 कार्बन पे लगा होगा तो फिर हमेशा हम नंबरिंग उस तरफ से स्टार्ट करेंगे जहां पे सब्स्टिट्यूएंट कम तादाद वाली कार्बन पे लगा हो. नेक्स्ट रूल में हम पेरेंट नेम को लास्ट में लिखेंगे. अब हम इनके नेम्स लिखेंगे और जो सब्स्टिट्यूएंट है उनकी पोजीशन और उनके नाम हम पहले लिखेंगे. जो साइड ग्रुप में अल्काइल है वो मिथाइल है. 3 कार्बन पे लगी हुई है तो हम इसको बोलेंगे 3 मिथाइल, लेकिन चेन आपके पास 7 कार्बन वाली है तो हम इसको बोलेंगे 3 मिथाइल हेप्टेन. इसमें सब्स्टिट्यूएंट आपका 2 कार्बन पे लगा हुआ है और सब्स्टिट्यूएंट आपका मिथाइल है, इस वजह से आप बोलेंगे 2 मिथाइल, और चेन आपके पास 6 कार्बन वाली है तो हम इसको बोलेंगे 2 मिथाइल हेक्सेन. मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सीरीज आपने क्लास 10 में याद की हुई है. अल्केन की होमोलोगस सीरीज आप 10 क्लास में पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट रूल है व्हेन 2 आर मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट गिव ईच सब्स्टिट्यूएंट्स अ नंबर corresponding to its location on the longest chain. अगर 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे हों तो फिर आपने उनकी पोजीशन के लिहाज से, लोकेशन के लिहाज से उनकी नंबरिंग करनी है. यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल और एक सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल, तो फिर आप उस लिहाज से इसकी नंबरिंग करेंगे, चेन सिलेक्ट करेंगे, फिर आप उनका नेम लिखेंगे. अगर एक ही कार्बन के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हों तो हम फिर उस नंबर को 2 दफ़ा यूज़ करेंगे. व्हेन 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम यूज एट नंबर ट्वाइस. जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है 3 कार्बन पे इथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है और 3 कार्बन पे मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है, तो फिर आप बोलेंगे 3 इथाइल 3 मिथाइल, और चेन 6 कार्बन वाली है तो 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन. अगर तो सब्स्टिट्यूएंट, द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स शुड बी लिस्टेड अल्फाबेटिकली. अगर तो सब्स्टिट्यूएंट्स एक से ज़्यादा हों तो हम अल्फाबेटिकली सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम लिखेंगे. आपके पास इथाइल और मिथाइल हैं, इथाइल में अल्फाबेटिकली ई पहले आता है और एम बाद में आती है, इस वजह से हम इथाइल को पहले लिखेंगे और मिथाइल को बाद में लिखेंगे. नेक्स्ट रूल है व्हेन 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर आइडेंटिकल इंडिकेट दिस बाय द यूज ऑफ प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई, टेट्रा एंड सो ऑन. अगर 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट सेम हो तो फिर हम कौन से प्रीफिक्सेस यूज़ करेंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा एंड सो ऑन. दे मेक सर्टन डैट ईच एंड एवरी सब्स्टिट्यूएंट हैज नंबर, कॉमास आर यूज टू सेपरेट नंबर्स फ्रॉम ईच अदर. फिर हम कॉमास यूज़ करेंगे उसको सेपरेट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, ये आपके सामने 3 एग्जाम्पल्स दी गई हैं. आप यहाँ पर देखें, चेन आपके पास 4 कार्बन वाली है, कार्बन 2 पे भी एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और कार्बन 3 पे भी एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है. दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है तो हम इसको बोलेंगे 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन. यहाँ पर 2 पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे और 4 पोजीशन पे तीनों पे ही मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो हम इसको बोलेंगे 2,3,4. नंबर के दरमियान कॉमास लगाएंगे. अब 3 मिथाइल ग्रुप हैं तो ट्राई, और तीनों ही मिथाइल हैं तो मिथाइल ब्यूटेन. 2,3,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, क्योंकि आपके पास चेन 5 कार्बन वाली है. नेक्स्ट है, चेन आपके पास 4 कार्बन वाली है, 2 पोजीशन पे भी 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और 3 पोजीशन पे भी 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो हम इनको लिखेंगे 2,2,3,3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन. नेक्स्ट रूल है व्हेन 2 चेन ऑफ इक्वल लेंथ कम्पीट फॉर सिलेक्शन एज द पेरेंट चेन, चूज़ द चेन विद द ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स. अगर आपके पास चेन की तादाद सेम हो तो फिर आप उस चेन को सिलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट्स की तादाद ज़्यादा लगी होगी. लास्ट वाला रूल है व्हेन ब्रांचिंग फर्स्ट अकर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम आइदर एंड ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, चूज़ द नेम डैट गिव्स द लोअर नंबर एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस. आपके पास ये चेन दी गई है और सब्स्टिट्यूएंट 2,3,5 पे भी बन सकते हैं जब हम काउंटिंग इस तरफ से स्टार्ट करते हैं, और सब्स्टिट्यूएंट आपके पास 2,4,5 भी बन सकते हैं. यहाँ आपके पास एक चेन दी गई है, काउंटिंग आपकी दोनों तरफ से हो सकती है, तो आपने उस चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स को प्लस करके कम तादाद में नंबर्स आएँ. स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था जिसमें हमने नॉमन क्लेचर ऑफ अल्केन्स को डिटेल से डिस्कस किया. हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. खुदा हाफिज़.